हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि एचआर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। इवन के बहुत से इंटरव्यूज़ के अंदर, लाइक गूगल अमेजोन के अंदर भी एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक रिडल क्वेश्चन है। और बहुत से जो इंटरव्यूअर्स जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो कैंडिडेट फंस जाता है। तो मैं इसका एक आसान सा आंसर आपको दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास ये है, डिवाइड 30 बाय हाफ एंड एड 12। अब इसका एक दो मेथड्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं पहला मेथड करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं दूसरा मेथड करते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा और बताऊंगा कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। पहले हम गलत मेथड को देखते हैं। अब देखो, डिवाइड 30 बाय हाफ, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि 30 को डिवाइड कर दो 2 से, इसका मतलब हो गया 30 बाय 2 एंड एड 12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग मेथड क्या है, डिवाइड 30 बाय 2 प्लस एड 12 इन दिस, तो आउटपुट क्या आ जाती है, 27। अब ये गलत मेथड है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, डिवाइड 30 ये एक अलहदा चीज़ है, बाय हाफ ये एक अलहदा चीज़ है, एंड एड 12 ये एक अलहदा चीज़ है। यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने डिवाइड 30 बाय हाफ को एज एक नहीं लेना, हमने इसको 2 पार्ट्स में लेना है। इस स्टेटमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस स्टेटमेंट को 1 पार्ट में, यानी 3 पार्ट्स हैं। डिवाइड 30 बाय हाफ का मतलब ये नहीं है कि 30 को 2 से डिवाइड कर दिया और उसमें 12 ऐड कर दिया तो आंसर 27 आ गया, तो ये रॉन्ग मेथड है। सही मेथड ये है कि करेक्ट डिवाइड 30 बाय हाफ, हाफ का मतलब क्या है, 1 बाय 2, हाफ का मतलब क्या है, 1 बाय 2, इसको हाफ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हाफ नहीं कहते कि 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 30 का हाफ हो गया, उसने 30 का हाफ करने को नहीं कहा, उसने कहा है कि 30 को डिवाइड करो हाफ से, हाफ का मतलब है 1 बाय 2। तो 30 को हम 1 बाय 2 से जब यानी डिवाइड करते हैं और उसके अंदर जब 12 ऐड करते हैं तो आ जाता है 72। अब ये इसको अगर मैं आसान मेथड्स में लिखूं तो ये देखो, जब 30 है डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 है, ठीक है। अब ये 1 बाय 2 है ना, तो 1 बाय 2 जब ऊपर जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12। अब 30 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 60 प्लस 12 क्या होता है, 72। तो 72 इज द करेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला मेथड है ये गलत मेथड है, जो नीचे वाला मेथड है वो सही मेथड है। दोबारा से स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो। अब 30 की बजाय वो कोई भी और नंबर दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो नंबर दे देता है जी 80, ठीक है, अगर वो नंबर दे देता है 80 के डिवाइड 80 बाय हाफ एंड एड 12, या डिवाइड 80 बाय हाफ एंड प्लस एड समथिंग, कोई भी नंबर दे देता है, एन नंबर दे देता है कोई भी। तो आपने ये याद रखना है, हाफ का मतलब ये नहीं है कि 2, हाफ का मतलब है 1 बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।